नमस्कार, मैं अनुष्का, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज शाम तक की खबरों को जानने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बिहार में 6400 विद्यालय सहायकों की होगी बहाली। बिहार में 80,000 करोड़ रुपए के खर्च का नहीं है कोई हिसाब। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर सीएम ने किया माल्यार्पण। बिहार के बेरोजगारों को नौकरी देने के लिए सरकार ने बनाया खास प्लान। बिहार में अभी बंद नहीं होंगे स्कूल। तो आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। बिहार में 6400 विद्यालय सहायकों की होगी बहाली। बिहार के सरकारी विद्यालयों में जल्द ही 6400 विद्यालय सहायकों की बहाली की जाएगी। इन विद्यालय सहायकों का काम कंप्यूटर से जुड़े कामों को देखना होगा, जिसके तहत ये मैट्रिक और इंटर के विद्यार्थियों के नामांकन, प्रवेश पत्र और परीक्षा फॉर्म आदि से जुड़े काम करेंगे, ताकि ये काम विद्यालय के शिक्षकों को न करना पड़े। इस बात की घोषणा आज विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन में शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने की है। दरअसल सदन में पार्षद डॉक्टर संजीव सिंह ने यह सवाल उठाया कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट छात्र छात्राओं के नामांकन, पंजीयन, प्रवेश पत्र और परीक्षा प्रपत्र के साथ साथ अन्य कार्यालयों में सहायकों और लिपिकों के अभाव में शिक्षकों को ही काम करना पड़ रहा है। ऐसे में स्कूलों में पठन पाठन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। इसके ही जवाब में शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि 6400 विद्यालय सहायकों की बहाली सरकार करेगी, जो कि कंप्यूटर प्रशिक्षित होंगे। बिहार में 80,000 करोड़ रुपए के खर्च का नहीं है कोई हिसाब। राज्य में 80,000 करोड़ के खर्चे का कोई हिसाब कैग को नहीं मिला है, जिससे बड़ी वित्तीय गड़बड़ी होने की आशंका है। इस बात का खुलासा बीते दिन विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में किया है। इसके मुताबिक वित्तीय वर्ष 2019-20 में बिहार सरकार के द्वारा करीब 80,000 करोड़ का कोई भी हिसाब नहीं दिया गया है। ये राशि वित्तीय वर्ष 2011 से लेकर 20 की है, जो कि साल दर साल बढ़ती जा रही है। सरकार ने 9 सालों में इन रुपयों का क्या किया, उसका कोई हिसाब अब तक नहीं दिया है। बताते चले कि बिहार सरकार के अलग अलग विभागों की तरफ से एक के बाद एक कई योजनाएं लागू की जा रही हैं, जिससे बजट भी बढ़ रहा है, लेकिन उसकी तुलना में खर्च कम हो रहे हैं। साथ ही साथ विभाग की तरफ से जो खर्चे किए गए उनका हिसाब देने में भी विभाग आनाकानी कर रही है। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर सीएम ने किया माल्यार्पण। देश के प्रथम राष्ट्रपति और बिहार के लाल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आज 137वीं जयंती दिवस मनाई जा रही है। इस मौके पर देश भर में उन्हें याद किया गया। वहीं राजधानी पटना में राजभवन के सामने राजेंद्र चौक पर आज एक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कार्यक्रम में शिरकत किया। इस दौरान सीएम ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की समाधि स्थल पर जाकर वहां माल्यार्पण भी किया, साथ ही उन्हें नमन किया। बताते चले कि देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म सीवान जिले के जीरादेई में 3 दिसंबर 1884 में हुआ था। देश की आजादी से लेकर संविधान निर्माण में उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर बिहार बॉर्डर पर भी होगा कोविड टेस्ट। बीते दिन भारत में कोरोना के नए वेरिएंट की एंट्री की खबर सुनते ही एक बार फिर से सरकार की नींद उड़ गई है, और इसे रोकने के लिए गृह मंत्रालय की तरफ से सभी राज्यों को सख्त आदेश दे दिए गए हैं। इसे लेकर बिहार सरकार ने भी अपने राज्य की सीमा पर निगरानी रखना शुरू कर दिया है। इसके तहत अब बिहार से सटे सभी बॉर्डरों पर कोविड टेस्ट की व्यवस्था की जा रही है, ताकि कोई भी बाहरी शख्स बिना जांच के राज्य में प्रवेश न कर सके। इसे लेकर दूसरे राज्यों की सीमा से लगने वाले जिलों के सिविल सर्जन को व्यवस्था रखने के आदेश दे दिए गए हैं। इस दौरान फ्लाइट और ट्रेन से आने वाले यात्रियों की भी जांच सख्ती से की जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि केंद्र सरकार के आदेश के बाद अब दुकानों और प्रतिष्ठानों में हमेशा मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। बिहार के बेरोजगारों को नौकरी देने के लिए सरकार ने बनाया खास प्लान। बिहार में बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए बिहार सरकार एक्शन में है। सरकार की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए विशेष पोर्टल बनाया जाएगा। इस पोर्टल पर रोजगार देने वाली कंपनियों को सूचीबद्ध किया जाएगा। पोर्टल पर वैकेंसी देखकर बेरोजगार इस पोर्टल के माध्यम से रोजगार पा सकेंगे। आपको बता दें कि बिहार में बेरोजगार युवाओं का कौशल विकास करने के लिए अलग अलग योजनाओं में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर श्रम संसाधन विभाग की ओर से बताया गया है कि कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम में 12.82 लाख युवा नामांकित किए गए हैं। इसमें से 9.25 लाख युवाओं को प्रमाण पत्र दिया जा चुका है। बताते चले कि इस पोर्टल पर देश विदेश के नियोक्ताओं को जोड़ा जाएगा। बिहार में अभी बंद नहीं होंगे स्कूल। देश भर में नए वेरिएंट को लेकर एक बार फिर से बच्चों की क्लासेस को ऑनलाइन करवाने पर चर्चा बनी हुई है। केंद्र सरकार ने भी राज्य सरकारों को अलर्ट मोड पर रहने को कहा है। हालांकि बिहार के स्कूल अभी बंद नहीं होने वाले हैं। स्कूल कॉलेजों के लेकर सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके मुताबिक अभी क्लास खुले ही रहने वाले हैं, लेकिन सख्ती काफी बढ़ा दी गई है, जिसके तहत जिन शिक्षकों और स्टाफ ने अब तक वैक्सीन नहीं लगवाई है उनका स्कूल में घुसना निषेध रहेगा। इसकी पूरी जवाबदेही स्कूल के हेडमास्टर के साथ प्रबंधन की होगी। आदेश के मुताबिक ऐसा नहीं करने वाले स्कूल या फिर कोचिंग संस्थान के कर्मचारी और टीचर पर सख्ती दिखाई जाएगी। बताते चले कि फिलहाल राज्य में आंगनबाड़ी से लेकर 12वीं तक के बच्चों के लिए सामान्य रूप से स्कूल को खोलने का आदेश है।
अब जानते हैं बिहार के मौसम का ताजा हाल। बिहार का मौसम दो तरह की हवाएं चलने के कारण दो भागों में बट गया है, जिसके कारण उत्तर बिहार का हिस्सा दक्षिण बिहार से अधिक गर्म है। राज्य के 38 जिलों में 19 जिलों में न्यूनतम तापमान 12 से 14 डिग्री और शेष 19 जिलों में न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक 5 दिसंबर तक मौसम में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। मौसम पूरी तरह से शुष्क रहेगा और कुछ स्थानों पर आंशिक धुंध छाए रहेंगे। 5 दिसंबर को बारिश का भी पूर्वानुमान है। इसके बाद मौसम में बदलाव के आसार है। वहीं बता दें कि बिहार में गया एकमात्र जिला ऐसा है जहां ठंड का प्रभाव कुछ अधिक ही देखने को मिल रहा है। गया में न्यूनतम तापमान 10.3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। राज्य के सरकारी इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में मानदेय बढ़ा। राज्य के सभी सरकारी इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में गेस्ट टीचर फैकल्टी के लिए खुशखबरी है। राज्य सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने गेस्ट सहायक प्राध्यापक, अतिथि लेक्चरर, गेस्ट तकनीकी सहायक और अतिथि कर्मशाला अनुदेशक के मानदेय में बढ़ोतरी कर दी है। इसके तहत अब अतिथि सहायक प्राध्यापक को अधिकतम 50,000 रुपए मानदेय के तौर पर मिलेंगे। इससे पहले 35,000 रुपए मानदेय निर्धारित था। इसके मुताबिक पहले प्रति क्लास 1,000 रुपए मिलते थे, अब 1,500 रुपए मिलेंगे। साथ ही अतिथि व्याख्याता को मिलने वाला मानदेय भी रिवाइज किया गया है। उनको अब अधिकतम 45,000 रुपए प्रति महीने मानदेय मिलेगा। पहले 30,000 रुपए निर्धारित था, प्रति क्लास 800 रुपए से बढ़ाकर 1,400 रुपए कर दिया गया है। विभाग की ओर से जारी निर्देश के मुताबिक अतिथि सहायक प्राध्यापक, व्याख्याता, तकनीकी सहायक व कर्मशाला अनुदेशक का चयन संस्थान पर बनी समिति के द्वारा किया जाएगा। बिहार में मिले 5 नए कोरोना संक्रमित। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 5 नए मरीजों की पुष्टि हुई है, तो वहीं इस दौरान 4 मरीज रिकवर भी हुए हैं, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 31 पर पहुंच गई है। इस दौरान अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो पटना और समस्तीपुर से 2-2 मरीज की पुष्टि हुई, जबकि भागलपुर से 1 मरीज मिले हैं। वहीं बात अगर रिकवरी रेट की करें तो राज्य में लोगों के ठीक होने की दर 98.66% है। पटना एयरपोर्ट पर दिखा ओमिक्रॉन का खौफ। बीते दिन कोरोना के नए वेरिएंट के 2 मरीज मिलने के बाद से पटना एयरपोर्ट पर भी जांच और वैक्सीनेशन को तेज कर दिया गया, तो वहीं नए वेरिएंट के संक्रमण का खौफ भी लोगों में दिखा। इस दौरान कई लोग जिन्होंने पहले से वैक्सीन नहीं लगवाई थी वे भी खुद से वैक्सीन लगवाते हुए नजर आए। बीते 48 घंटों में एयरपोर्ट पर ही 125 लोगों से ज्यादा ने वैक्सीन लगवाई है। वहीं 500 से ज्यादा लोगों की एंटीजन और RT-PCR जांच करवाई गई है। बताते चले कि कोरोना के खतरे को लेकर अब फ्लाइट से यात्रा करने वालों को 72 घंटे के अंदर की कोरोना का जांच रिपोर्ट देना होगा। इसमें RT-PCR की रिपोर्ट होनी चाहिए। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि एयरपोर्ट पर विभाग की टीम लगाई जाएगी और सुरक्षा को लेकर और भी अलर्ट किया जाएगा। पटना से फ्लाइट से यात्रा करने वालों को जांच रिपोर्ट भी देनी होगी। कांग्रेस में हो सकता है जन अधिकार पार्टी का विलय। बिहार के सियासी महकमे में जन अधिकार पार्टी के कांग्रेस में विलय के चर्चे तेज हो गए हैं। कहा तो यह भी जा रहा कि जाप के सभी प्रकोष्ठ की कमेटियां भंग करने पर विचार किया जा रहा है। ऐसे में बहुत ही जल्द जाप का विलय कांग्रेस में हो सकता है। बता दें कि बीते दिन गुरुवार को जाप के प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र कुशवाहा ने सभी कमेटियों को भंग करने की बात कही है। इसके बाद से ही कयास तेज हो गए हैं। बता दें कि पिछले दिनों हुए बिहार विधानसभा उपचुनाव में पप्पू यादव को कांग्रेस से टिकट देने को लेकर कांग्रेस तैयार थी, लेकिन दोनों तरफ से सहमति नहीं बन पाई थी। लेकिन अब एक बार फिर से ऐसा लग रहा है कि पप्पू यादव कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। ब्लू टिक न मिलने से परेशान मांझी ने सीईओ पराग अग्रवाल को किया याद। सोशल मीडिया साइट ट्विटर ने हाल ही में अपना नया सीईओ पराग अग्रवाल को नियुक्त किया, जो कि भारतीय हैं। ऐसे में एक तरफ उन्हें भारत के आम और खास की तरफ से ढेरों शुभकामनाएं मिल रही हैं, तो दूसरी तरफ बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने भी उन्हें याद किया है। हालांकि हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पराग अग्रवाल को अपनी समस्या के लिए याद किया है, जिससे वे काफी दिनों से परेशान है। दरअसल जीतन राम मांझी के फॉलोअर्स की संख्या करीब 4,000 घट गई है और अब तक उन्हें अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट में ब्लू टिक भी नहीं मिला है। इससे पहले भी वे कई बार ट्विटर से ब्लू टिक देकर वेरीफाइड करने की गुहार लगा चुके हैं, ताकि उनके अकाउंट को कोई नकली ना समझे। लेकिन अब तक नहीं मिलने के कारण उन्होंने तंज करते हुए ट्वीट किया और नए सीईओ से पूछा कि भाई पराग अग्रवाल जी, आते ही मेरे लगभग 4,000 फॉलोअर कम कर दिया, सब ठीक है ना। मंत्री जीवेश मिश्रा ने DMSSP प्रकरण में दी माफी। बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा ने आज सदन में पटना के डीएम और एसएसपी के द्वारा उनकी बेइज्जती करने के आरोप में माफी दे दी है। बताते चले कि बीते दिन ही सदन आने के दौरान उनकी गाड़ी को DMSSP के काफिले के गुजरने को लेकर रोक दिया गया, जिसके बाद से ही मंत्री बीते दिन से ही भड़के हुए थे और उन्हें सस्पेंड करने की मांग कर रहे थे, जिसके बाद बीती रात ही खुद पटना के डीएम और एसएसपी ने मंत्री के आवास पहुंचकर उनसे मुलाकात भी की। जानकारी के मुताबिक इस दौरान दोनों अफसरों ने अपनी सफाई भी पेश की थी और माफी भी मांगी थी, और आज अब सदन में मंत्री ने उन्हें माफी दे दी है। साथ ही उन्होंने इस मामले में आसन के द्वारा संज्ञान लेने पर आसन का भी धन्यवाद दिया।
मिताली राज पर बनी बायोपिक फरवरी में होगी रिलीज। क्रिकेटर मिताली राज की बर्थडे पर वायकॉम 18 स्टूडियोज ने उन्हें बतौर गिफ्ट फिल्म रिलीज डेट की है। मेकर्स ने उनकी बायोपिक शाबाश मिथु की रिलीज डेट अनाउंस कर दी है। तापसी पन्नू स्टारर फिल्म 4 फरवरी 2022 को थिएटर्स में रिलीज होगी। यह पोस्टर को वायरल हो रही है, जिसे मिताली राज ने भी शेयर किया है। इस दौरान पोस्टर शेयर करते हुए मिताली राज ने लिखा, मैं बता नहीं सकती कि इस अद्भुत खबर के लिए मैं कितनी एक्साइटेड हूँ। शाबाश मिथु की मेकिंग में शामिल सभी लोगों को बधाई। रिटेन ना होने से निराश हार्दिक पांड्या ने शेयर की भावुक वीडियो। हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस की ओर से रिटेन नहीं किए जाने से निराश है। उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर मुंबई इंडियंस को अलविदा कह दिया। उन्होंने अब तक के सफर का वीडियो शेयर किया है और भावनात्मक कैप्शन लिखे हैं। उन्होंने लिखा कि मैं इन यादों को जीवन भर अपने साथ संजो कर रखूंगा। मैं इन पलों को जीवन भर अपने साथ रखूंगा। मैंने जो दोस्त बनाए हैं, जो बंधन बने हैं, लोग प्रशंसक, मैं उनका सभी का हमेशा आभारी रहूंगा। मैं सिर्फ एक खिलाड़ी के तौर पर नहीं बल्कि एक इंसान के तौर पर भी बड़ा हुआ हूँ। हम साथ में जीते, हम साथ में हारे और हम साथ में लड़े। इस टीम के साथ बिताया हर पल मेरे दिल में खास जगह रखता है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार कोरोना के नए वेरिएंट से बचाव के लिए क्या आप लोग मास्क का प्रयोग कर रहे हैं या फिर नहीं। आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। बिहार से जुड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहें बिहारी न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।